Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard science lesson number 10, that is force and types of force. Students, इसके पहले के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, मीन्स 9th चैप्टर तक, 1st to 9th, और इसके बाद के भी सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं. सिर्फ यही एक दो चैप्टर बचा था जो नहीं अपलोड था. अभी आपने कमेंट किया कि आपको ये डाइजेस्ट का चाहिए, तो मैंने 9th का भी बना दिया, 8th का भी और 10th का भी बन गया. अभी आज ये 10th का बना रही हूँ, ठीक है. सो, सारे आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में पूरा बना हुआ है. आपको जो भी चाहिए वीडियो आप देख सकते हो. ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी सारे बने हुए हैं, तो आपको जो भी चाहिए आप प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर लेना. एक्सप्लेनेशन भी है, क्वेश्चन आंसर भी सारे डाइजेस्ट के बन चुके हैं. ओके, सो, वैसे मैं डाइजेस्ट की प्रोवाइड नहीं करती थी, खुद से बनाती थी आंसर, लेकिन अब भी आपको डाइजेस्ट का चाहिए क्योंकि आपको आपके वर्कबुक कम्प्लीट करने हैं, बुक कम्प्लीट करने हैं. सो दैट्स आई एम मेकिंग अगेन डाइजेस्ट आंसर वीडियो. ओके, now first question is what happens when you hold the two ends of a spring and pull them apart. क्या होता है, आंसर दिया हुआ है, देख सकते हो. what happens when a blacksmith hammers a red hot piece of iron, इसका आंसर देख सकते हो आप, क्या दिया हुआ है. ओके, ये देख सकते हैं आंसर ये. ओके, चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं. अभी क्या बोला गया है, दो पीस आपको स्मूथ पेपर्स लेने हैं और दोनों पेपर को, सैंड पेपर को रब करना है, दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करना है. व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या देखोगे, ठीक है. तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द टर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन देख सकते हैं आप सारे यहाँ पे, और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप देख सकते हो. फर्स्ट का यहाँ पे डैश पहले ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स, ठीक है. हैज़ टू बी अप्लाइड टू चेंज द, यहाँ पे चेंज द क्या बात, इसके बाद डायरेक्शन यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, मूविंग. ओके, यानी पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा थर्ड में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है. सो, यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़े बड़े आंसर आपको दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, एक एक नहीं है, तीन तीन है. सो, आप देख सकते हो, व्हेन द एलिफेंट ड्रैग्स अ वुडन लॉग ओवर द लैंड द फोर्सेस दैट आर अप्लाइड ऑन द लॉग आर, क्या रहेगा ये, मस्कुलर फोर्स. ओके, देन क्या आएगा यहाँ पे, यस, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये तीनों आएगा. यहाँ पे पहले आएगा मस्कुलर फोर्स, फिर यहाँ पे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे क्या आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स. अभी थर्ड में देखिए, यहाँ पे भी दो ब्लैंक हैं, तो पहले क्या आएगा, मोशन. यहाँ पे देखो, पहले आएगा मोशन, फिर यहाँ पे आएगा फोर्स. सारे चैप्टर्स मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, अपलोडेड हैं, आप देख लेना अच्छे से, ठीक है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अलॉन्ग द मोशन, इसमें एक ही है, देख सकते हैं आंसर. अब यहाँ पे देखिए, इसके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत ही क्लियर फोटो है, ठीक है, अच्छे से देख सकते हो आप, क्वेश्चन भी देख सकते हो. उसके बाद इसके आंसर्स भी मैं जूम इन करके बता देती हूँ, क्या बोलते हो, मैं अच्छे से जूम इन करके दिखाया करो. तो यहाँ पे बहुत ही आराम से मैं एक एक क्वेश्चन को स्लाइड करती हूँ ताकि आप आंसर को अच्छे से लिख सको, कोई आपको प्रॉब्लम ना रहे. वन और मोर फोर्सेस आर एक्टिंग इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स, नेम देम. जैसे देखो, एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है बड़ी सी बिल्डिंग से, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, नाम बताना है आपको. एरोप्लेन जो है स्काई में उड़ रहा है, तो इसमें क्या क्या लग रहा है, मैकेनिकल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो, ये सारे लग रहे हैं, ठीक है. चलिए यहाँ पे देखिए, स्क्वीजिंग शुगर कैन जूस विद अ स्क्वीजर, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, मैकेनिकल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. विनोइंग फूड ग्रेन्स, तो मस्कुलर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट देखो यहाँ पे, एक्सप्लेन योर ओन वर्ड्स गिविंग वन एग्जाम्पल ईच, तो यहाँ पे आंसर देखिए, आंसर डिटेल में दिया गया, आप देख सकते हो. मस्कुलर फोर्स क्या है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जब हमारे बोन्स, मसल्स, हमारी बॉडी के जो हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म करने में, ठीक है. मस्कुलर फोर्स यहाँ पे यूज़ किया जाता है सारे मूवमेंट्स को करने में, तो जो भी फोर्स अप्लाई होता है वो हमारे मसल की हेल्प से जो होता है उसे बोलते हैं मस्कुलर फोर्स.
फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैन हैंड कार्ट यूज़ करते हैं वो मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो कूली होते हैं, लगेज उठाते हैं, काम करते हैं, वो भी मस्कुलर फोर्स लगता है। ओके, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन्ड हैं, आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले भी पार्ट देखना। ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, ये तो सीधी सिंपल सी बात है, जो अर्थ हमारी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, जो रॉकेट टेक ऑफ होता है ग्राउंड पे, और यहाँ पे जो मैकेनिकल फोर्सेस जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है, रॉकेट जब टेक ऑफ होती है ग्राउंड पे, तो इस यहाँ पे क्या हो रही है, मैकेनिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लगती है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं अर्थ पे हैं, स्टे ऑन द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीज़ें क्यों रिमेनिंग है, मतलब अर्थ पे कैसे बनी होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मैकेनिकल फोर्स क्या है, दिया गया है यहाँ पे, जब कोई भी फोर्स अप्लाई की जाती है विद द हेल्प ऑफ मशीन, इसे बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। कुछ मशीन ऐसी होती हैं जो मस्कुलर फोर्स की हेल्प से होती हैं, जबकि कुछ मशीन्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल की हेल्प से होती हैं, चलती हैं, मूव करती हैं। तो ये मशीन्स या तो ये मशीन्स कैसी होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। तो मशीन हेल्प करती हैं, हेल्प अस टू कैरी आउट टास्क विद ईज एंड स्पीड, स्पीड भी होती है अच्छी, ईजी भी होती है, जैसे वॉशिंग मशीन, फूड प्रोसेसर, वाटर पम्प, ये सब एग्जाम्पल हैं मैकेनिकल फोर्स के। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, जो मटेरियल जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय डेवलप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑन देम, फॉर एग्जांपल ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मटेरियल लाइक एबोनाइट, प्लास्टिक, रबर, दिस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे दिया गया है, फ्रिक्शनल फोर्स दिया गया है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, वो यहाँ पे बहुत ही ईजिली तरीके से दिया गया है, बहुत ही सिंपल है, दो ही लाइन का आंसर है। वाई यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है, मशीन्स आर ऑयल फ्रॉम टाइम टू टाइम, थोड़ा सा ये पेपर जो आप देख रहे हो कि बच्चे ने थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर दिया है, अच्छे से नहीं है, कहीं कहीं पे बहुत ही ज़्यादा है, समझ सकते हैं यहाँ पे मशीन, अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे मशीन की स्पेलिंग दी हुई है, तो आपको रिलेट कर सकते हो ऐसे। तो ऑयल करना चाहिए टाइम टू टाइम, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन टूवर्ड्स कम डाउन आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट, तो आंसर क्या है, देखो कोई भी चीज़ फेंक देते हैं हम तो वापस से आ जाती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप ऊपर जब फेंकते हो तो मस्कुलर फोर्स यहाँ पे लगता है, ओके, इसका आंसर लिखा है वगैरह देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम, पाउडर स्प्रिंकल्ड ऑन अ कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड पे जो पाउडर स्प्रिंकल किया गया है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, क्यों स्प्रिंकल किया जाता है, सो आंसर देख सकते हो। द रैंप एट अ रेलवे स्टेशन हैज़ अ रफ सरफेस, तो जो रेलवे स्टेशन पे होता है रफ सरफेस मिला जाता ताकि हम फिसले नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इन वॉट वे आर वी डिफरेंट मस्कुलर फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स, देख सकते हो इसका आंसर, मस्कुलर फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स क्या डिफरेंसेस है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, 3-3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो। राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन योर ओन वर्ड्स, तो देखो यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी डन बाय अप्लाइंग फोर्स, देखो यहाँ पे दिया गया है कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं फोर्स अप्लाई करने से। व्हाट इज़ द मेंट बाय वेट, वेट का मतलब क्या होता है, विच मशीन्स रन ऑन मस्कुलर फोर्स, कौन सी मशीन मस्कुलर फोर्स से रन होती हैं, तो उसका भी आंसर यहाँ पे दिया गया है। विच फोर्सेज आर एक्टिंग अपॉन एन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ इनटू द स्काई, तो हमने देखा, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है जो ज़मीन की वजह से वो नीचे आता है, ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया गया, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, ओके, तो यहाँ पे सारे आंसर्स दिए गए हैं, ओपन एंड के क्वेश्चन देख सकते हैं आप। सो यहाँ पे किसी वीडियो में मैंने नहीं बताया था ओपन एंड क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे, इसीलिए मैं ओपन एंड क्वेश्चन भी अभी दिखाना नहीं भूलती आपको, याद से दिखा देती हूँ ताकि आप ओपन एंड क्वेश्चन भी लिख लो, क्योंकि आपके लिए वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, ओके, इसके आंसर्स दिए गए हैं देख सकते हो। ये जो दिया गया, फोर्स इज टू बी अप्लाइड टू पुश अ स्कूटर दैट हैज़ फेल्ड, तो वन का क्या है यहाँ पे, मैग्नेट, ओके, सेकंड का क्या है, फोर्स कैन बी यूज्ड टू पिक अप स्कैटर्ड पेंस,
तो ये देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक क्या करते हैं हम, उसकी हेल्प से उठा सकते हैं पूरा। ये देखो ये रहा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक ना, ये सेकंड का है। थर्ड का देखो, अक्रॉस अ पुल्स एंड आयरन नेल टुवर्ड इट सेल्फ फोर्सेस। सो यहाँ पे देखो थर्ड का आंसर, इसका आंसर ये रहा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ का आंसर देखो, ग्रेविटी। ओके, यहाँ पे जितने आंसर थे मैंने बता दिए स्टूडेंट्स। इसके बाद के सारे जो भी चैप्टर्स हैं वो अपलोडेड हैं ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो उनको भी। ओके, ये सारे अपलोडेड हैं, जो अगर छूट गया होगा एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपलोड कर दूँगी।